छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय का अध्ययन के अंतर्गत इकाई 4 अध्याय 8 में व्यवसायिक सेवा बैंक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम देखेंगे कि व्यवसायिक सेवाएं ये क्या होती हैं। हम देखते हैं कि चाहे शहर में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या हमारे आसपास हो, बहुत सारी व्यवसायिक संस्थाएं होती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि एक दूर क्षेत्र में पेट्रोल पंप है, मान लीजिए। अब यहाँ पर इसका कार्य क्या है? वहाँ के लोगों को पेट्रोल उपलब्ध कराना। इसके लिए सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। फिर उसके बाद उसको साधन चाहिए, आवागमन के साधन चाहिए। उसके बाद एक स्थान चाहिए उसको। फिर भंडारण करने के लिए उसको जगह चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम एक छोटे से स्तर पे एक बात करें व्यावसायिक सेवाओं से जुड़ी हुई, तो उदाहरण के लिए हम यहाँ देखते हैं, यदि एक ग्रामीण क्षेत्र पेट्रोल पंप है तो उसके लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, पूंजी की जरूरत पड़ती है, विभिन्न साधनों की जरूरत पड़ती है, स्थान की जरूरत पड़ती है, भंडारण है, फिर बीमा है और परिवहन है। इन सब साधनों की उसको लगातार आवश्यकता पड़ती है और इन साधनों के बगैर वो अपने व्यवसाय को संचालित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यवसायिक सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे व्यवसायिक सेवाओं से जुड़ी हुई बातों को। अब व्यवसायिक सेवाएं जो होती हैं वो दो प्रकार से उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं। यहाँ पर जो है ऐसी सेवाएं जो अभौतिक हैं, जो हमें सामने नहीं दिखती। तो यहाँ इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे व्यवसायिक सेवाओं के संदर्भ में। तो भूमिका, व्यवसाय का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा होता है जिसमें लाभ कमाने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का नियमित रूप से हस्तांतरण होता है। तो व्यवसाय का जो संबंध है, जो पूर्व में बताया था कि दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक क्रिया और दूसरी अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, और अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि समाज सेवा, देश प्रेम या मानसिक भावनाओं से प्रभावित होकर की जाती हैं। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। तो व्यवसाय की जब भी हम बात करते हैं तो व्यवसाय का संबंध सीधा किससे होता है? आर्थिक क्रिया से। और आर्थिक क्रिया का संबंध किससे होता है? लाभ से। तो यहाँ पर लाभ कमाने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का नियमित रूप से हस्तांतरण होता है। तद वस्तुओं का उत्पादन एक हाथ से होता है, दूसरे हाथ में उसका उपभोग होता है। इसी प्रकार से सेवाओं का उत्पादन होता है और सेवाओं का उपभोग होता है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में परस्पर हस्तांतरण होता रहता है। फिर यहाँ वस्तुओं से जो तात्पर्य है, उन सभी पदार्थों से जो भौतिक रूप से हमारे सामने होती है। वस्तुएँ हम उनको कहते हैं जो हमें सामने दिखती है। जैसे उदाहरण के लिए ये आपको ये बोर्ड दिख रहा है, पेन दिख रहा है आपको, भौतिक रूप से मतलब जो प्रत्यक्ष हमें सामने दिखते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे पेन, कॉपी, पुस्तक, टेबल, अर्थात जो भी चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, वो किस में आती हैं? वस्तुओं में। दूसरी चीज़ जो है सेवाएं, सेवाएं क्या कहलाती हैं? ये अभौतिक पदार्थ हैं जिनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीज का इलाज करना, शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना, शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाना,
डॉक्टर का इलाज करना, तो यहां पर हम देखते हैं कि सेवाएं वे कहलाती हैं, वे अभौतिक अर्थात जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो हमें सामने दिखती नहीं है, लेकिन हम उन उनका उपभोग करने के पश्चात हम संतुष्टि प्राप्त करते हैं और उससे अनुभव कर सकते हैं कि जो हमने सेवा प्राप्त की है वो उससे हम संतुष्ट हैं, उसको हम देख या छू नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाना, डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना, या घर में जो है कोई काम करने वाली हैं उनके द्वारा घर का काम करना, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं सेवाएं जो हम प्राप्त करते हैं और उनसे हम संतुष्ट होते हैं, तो ये कहलाती हैं वस्तुएं और सेवाएं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सेवाओं की प्रकृति या विशेषताएं क्या है। जैसे कि बताया कि सेवाएं कैसी होती हैं, अभौतिक होती हैं, इनका कोई रूप या रंग या कोई आकार नहीं होता, तो ये है अमूर्त, अर्थात इसका कोई एक रूप या कोई आकार नहीं होता। सेवाएं क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल इनका अनुभव किया जा सकता है, इनसे संतुष्ट हुआ जा सकता है, तो ये कैसी हो गई, अमूर्त रूप रंग आकार नहीं है। दूसरा, समय अंतराल की बात करें तो सेवाएं जैसे ही उत्पादित होती हैं वैसे ही उनका उपभोग भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर यदि अपनी डिस्पेंसरी में मरीज का इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज करना और मरीज का उससे संतुष्ट होना दोनों एक साथ होता है, अर्थात यानी कि डॉक्टर पहले इलाज कर दे और उसके 4 घंटे बाद मरीज को उपभोग प्राप्त हो, तो यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर इलाज करता वहाँ पर मरीज को वो साथ साथ वो करता है। इसी प्रकार से शिक्षक कक्षा रूम में यदि पढ़ाता है जब भी, तो जिस प्रकार से वो पढ़ाने का उत्पादन कर रहा है तो छात्र भी वहाँ पर उसका उपभोग एक साथ कर रहे हैं, तो उत्पादन एवं उपभोग जो है एक साथ होता है, आगे पीछे नहीं होता। फिर बात करें हम असंगतता, इसमें एक रूपता का अभाव होता है। एक रूपता का अभाव से तात्पर्य यहाँ पर कि जिस प्रकार से वस्तुएं, यदि ये पेन है तो ये एक से प्रकार के बहुत से पेन इसी प्रकार के होंगे, लेकिन सेवाओं में जो होता है एक रूपता नहीं होती, कहीं ना कहीं इनमें विसंगति या एक रूपता जो होती है वो इसका अभाव होता है, अर्थात सभी के लिए एक सी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती, उनके आकार एक रूपता में उनका परिवर्तन होता। फिर इसके बाद संग्रह संभव नहीं, सेवाओं का जो है हम संग्रह नहीं कर सकते, इसका जो निष्पादन है वो ग्राहक की मांग पर होता है, अर्थात सेवाओं को हम इकट्ठा करके नहीं रख सकते, जिस प्रकार से वस्तुओं को हम इकट्ठा करके रख लेते हैं और जब ग्राहक की डिमांड होती है तब वो वस्तु हम ग्राहक को प्रदान कर देते हैं, तो सेवाओं में ऐसा नहीं होता, सेवाओं का संग्रह नहीं होता, मतलब जो अभी हमने देखा कि उत्पादन और उपभोग एक साथ होता है, तो जैसे ही उत्पादन हुआ उपभोग भी उसका उसी के बाद तत्काल हो जाता है, तो यहाँ पर संग्रह संभव नहीं होता, इसका निष्पादन जो है ग्राहक की मांग पर होता है। फिर इसके बाद बात करें हम सहयोग की, तो सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्राहक का सहयोग आवश्यक होता है। जब किसी को हम सेवा प्रदान करते हैं तो जो उसका उपभोग करना चाह रहा है उसका सहयोग यहाँ पर आवश्यक होता है। यहाँ पर जो है ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार अवश्य कर सकता है। तो जैसे ही प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है सेवाओं का, वहाँ पर ग्राहक के सहयोग की आवश्यकता होती है और वहाँ पर जो है ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार उन सेवाओं में कुछ परिवर्तन कर सकता है, तो यह सेवाओं की प्रकृति या विशेषता है। अब यहाँ हम देखेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं में, तो जैसा कि अभी हमने बताया था प्रकृति की बात करें तो सेवाएं कैसी होती हैं, अभौतिक होती है, अर्थात ये अमूर्त होती है, अमूर्त होती है, जबकि वस्तुएं भौतिक होती हैं, ये मूर्त रूप में होती हैं, इनका एक आकार होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये पेन भौतिक वस्तु है तो ये कैसी है, वस्तुएं कहलाएगी, मूर्त रूप में। फिर दूसरी बात करें हम समय अंतराल की,
तो जो अभी बताया था कि सेवाओं के उत्पादन तथा उपभोग में समय अंतराल नहीं होता है। जैसे ही उत्पादन होता है सेवा का, उपभोग उसी के साथ होता है, उनके बीच में कोई समय का अंतर नहीं होता है। समय अंतर नहीं होता, अंतराल से मतलब यहां पर है समय का कोई अंतर नहीं होता, जबकि वस्तुएं इसमें समय अंतराल होता है। अर्थात जब वस्तु का यहाँ पर उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, इसका जो भोग है वो लंबे समय के बाद भी हो सकता है, तो इसके बीच में समय का अंतराल होता है। फिर संग्रह, सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता, सेवाओं को हम इकट्ठा करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उत्पादन और उपभोग एक के बाद एक होता है, जबकि वस्तुओं का जो संग्रह है वो संभव होता है। इसको हम भंडारण में इकट्ठा करके, भंडार गृह में इकट्ठा करके हम इनको रख सकते हैं। तो वस्तुओं का संग्रह संभव है, सेवाओं का संग्रह संभव नहीं है। फिर बात करें हम भिन्नता की, तो सेवाओं में एक रूपता का अभाव होता है, अर्थात भिन्नता पाई जाती है। सेवाएं जो होती हैं वो एक रूप में नहीं होती। उदाहरण के लिए डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है, तरह तरह के मरीज आते हैं, तो डॉक्टर जो है मरीज के हिसाब से अलग अलग प्रकार से उसका इलाज करता है, उससे बातचीत करता है और उसको संतुष्ट करता है। मतलब सभी के लिए वो एक सी सेवाएं नहीं दे पाता, कहीं ना कहीं उसमें एक रूपता का अभाव होता है, जबकि वस्तुओं में एक रूपता या समानता होती है। एक से प्रकार की वस्तु है तो वो एक से प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं होंगी। फिर अंतिम है यहाँ पर समयबद्धता, सेवाएं उपलब्ध कराते समय ग्राहकों की भागीदारी आवश्यक होती है। जबकि यहाँ पर जब सेवाएं उपलब्ध कराते समय ग्राहकों की भागीदारी आवश्यक होती है, अर्थात जब हम किसी को सेवा उपलब्ध करा रहे हैं तो समय ग्राहक का वहां पर उपस्थित होना आवश्यक है, मतलब उपभोक्ता का वहां पर उपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि भागीदारी संभव नहीं होती। अर्थात उत्पादन कहीं और किसी स्थान पर होता है, ग्राहक किसी और स्थान पर होता है और किसी और दुकान से वो सामग्री को खरीदता है। तो यहाँ पर जब उत्पादन होता है तो उसकी सुपुर्दगी जो है उसके लिए जरूरी नहीं कि ग्राहक एट ए टाइम वहां पर उपस्थित रहे, जबकि सेवाओं में जो है ग्राहकों का उत्पादन के समय उपस्थित होना आवश्यक है। तो ये वस्तुओं और सेवाओं में अंतर। अब यहां हम देखते हैं सेवाओं के जो प्रकार है, तीन प्रकार की सेवाएं हैं यहां पर। नंबर एक व्यक्तिगत सेवाएं, नंबर दो सामाजिक सेवाएं और नंबर तीन व्यवसायिक सेवाएं। तो यहां हम देखते हैं व्यक्तिगत सेवाएं क्या कहलाती हैं। इसमें सेवाओं का जो अनुभव है अलग अलग ग्राहकों द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो सेवाएं का जब उत्पादन होता है और जब उसका जैसे ही उत्पादन के पश्चात तत्काल उपभोग होता है, तो इसका जो अनुभव है ग्राहकों द्वारा अलग अलग तरीके से लिया जाता है और अलग अलग ग्राहकों के द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। इसमें एक रूपता का अभाव होता है। इसमें सेवाएं ग्राहकों की पसंद पर निर्भर करती हैं। यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो किसकी पसंद पर निर्भर करती हैं? ग्राहकों की पसंद पर निर्भर करती हैं। फिर दूसरी बात आती है सामाजिक सेवाओं की, तो समाज के हित में, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सेवाएं जो है सरकार के द्वारा या कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाती है, वो कहलाती है सामाजिक सेवाएं। मतलब समाज के लोगों के हित के लिए, तो समाज के हित में सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदान की जाती हैं। जैसे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय की स्थापना करना, फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए हॉस्पिटल वगैरह को स्थापित करना, दवाखाने खोलना, स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, कार्य करना, तो ये सामाजिक सेवाएं कहलाती है। अब मुख्य जो अध्याय पर हम जिस पर फोकस करेंगे वो है ये व्यवसायिक सेवाएं। जब एक व्यवसायिक उद्यम अपनी व्यवसायिक क्रियाओं हेतु सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, भंडारण आदि, वो व्यवसायिक सेवाएं कहलाती है। यहां पर जो है व्यवसायिक उद्यम
अर्थात एक संस्था या व्यक्ति कोई व्यवसायिक क्रियाओं हेतु अर्थात जो व्यवसाय की गतिविधियां हैं उनको संचालन हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो वो व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। जैसे बैंक, बैंक के द्वारा जो है उद्योग के लिए पूंजी प्रदान करना, परिवहन के साधनों के द्वारा जो है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, संचार के माध्यम से संपर्क स्थापित करवाना, भंडारण के माध्यम से उत्पादित माल को सुरक्षित रखना तब तक वो उपभोक्ता के हाथ में ना पहुंच जाए। तो यहाँ हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे व्यवसायिक सेवाएं कौन सी हैं। अभी हमने देखा कि व्यक्तिगत सेवा, सामाजिक सेवा और व्यवसायिक सेवा, ये किसके प्रकार हैं? सेवाओं के प्रकार। अब यहां हम देखेंगे वित्तीय सेवाओं की प्रकृति एवं प्रकार। वित्तीय सेवाएं किस किस प्रकार की होती हैं, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, उसके प्रकार कौन कौन से। व्यवसाय की वित्तीय प्रकृति की सभी क्रियाएं वित्तीय सेवाओं की श्रेणी में आती हैं। वास्तव में वित्तीय सेवाओं से तात्पर्य जो है बचत के एकत्रीकरण तथा उनके उपयोग संबंधी क्रियाओं से होता है। यहाँ पर जो है व्यवसाय के अंतर्गत बचत का एकत्रीकरण और उसके उपयोग संबंधी क्रियाओं से होता है। वित्तीय सेवा क्षेत्र जो है देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर बचत को एकत्र कर विनियोग हेतु पूंजी उपलब्ध कराने से देश का आर्थिक विकास मजबूत होता है। तो यहाँ पर जो है वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत जो है बचत को, छोटी छोटी बचत को एकत्र करना और उस बचत को जो है उपयोग विनियोग करना, उपयोग संबंधी क्रियाओं में उसको लगाना। तो यहाँ पर बचत को एकत्र करके जो है विनियोग हेतु पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। अब इसमें हम देखते हैं कि वित्तीय सेवाओं में जो प्रमुख हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इन वित्तीय से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इनमें सबसे पहला जो है वो मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है इसको हम जानेंगे। ये क्या है? एक वित्तीय मध्यस्थ होते हैं जो अंशों का निर्गमन एवं प्रबंधन, अभिगोपन, पूंजी का पुनर्गठन, एकीकरण एवं अधिग्रहण आदि सेवाओं के साथ कंपनी प्रवर्तन हेतु तकनीक व व्यवसायिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। ये परामर्श सेवाएं जो है मर्चेंट बैंकिंग कहलाती है। तो इनमें जो कुछ प्रमुख हैं, ग्रिडलेज बैंक है, ICICI बैंक है। तो ये मर्चेंट बैंकिंग जो होती है ये एक प्रकार के वित्तीय मध्यस्थ होते हैं जो कंपनी के अंशों का क्या करते हैं, निर्गमन करते हैं, कंपनी का प्रबंधन व्यवस्था को बनाते हैं, अभिगोपन करते हैं अंशों का, पूंजी का पुनर्गठन करते हैं, फिर यहाँ पर एकीकरण एवं अधिग्रहण, यदि कोई कंपनी विलय होने जा रही है उसका अधिग्रहण करना। इन सेवाओं के साथ साथ कंपनी पर प्रवर्तन हेतु जब कोई कंपनी नई स्थापित होती है तो उसे तकनीक व व्यवसायिक परामर्श सेवाएं प्रदान करना जो मर्चेंट बैंकिंग कहलाती है। इस कार्य में जो है अभी बताया मैंने ग्रिडलेज बैंक और ICICI आदि के साथ अब बहुत सी जो संस्थाएं हैं वो मर्चेंट बैंकिंग के कार्य को कर रही हैं। दूसरा बिंदु आता है इसमें लीजिंग अर्थात पट्टे पर देना। लीजिंग से तात्पर्य यहाँ पर कि ये एक प्रकार का क्या है, कानूनी अनुबंध होता है जिसमें संपत्ति उपयोगकर्ता को उपयोग के बदले किराया देने के कानूनी उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाता है। ये किराया जो है मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक आधार पर भी किराया होता है। अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर संपत्ति पर पट्टेधारी का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर लीजिंग तो जो तात्पर्य है कि एक संपत्ति का वास्तविक स्वामी बने बिना उसका उपयोग कर सकता है अर्थात पट्टेधारी हो सकती है। तो यहाँ पर इससे आशय जो है लीजिंग पर कि किसी संपत्ति के उपयोग करना और उपयोग के बदले उसका किराया देना वो लीजिंग अर्थात पट्टे पर देना कहलाता है। जिस प्रकार बहुत छोटे से उदाहरण से बताएं कि यदि कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो वो मासिक या वार्षिक या छमाही तिमाही किराया जमा करता है। तो ये एक उसके संबंध में एक कानूनी अनुबंध उसके द्वारा भी किया जाता है तो वही कहलाता है लीजिंग अर्थात पट्टे पर देना।
तो चूंकि भारत में पट्टेधारी पर काम करने वाली काफी कंपनियां हैं, वे उपकरणों को बड़ी मात्रा में पट्टे पर लेती है, क्योंकि क्या है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, बड़े बड़े यंत्र हैं, बड़ी संपत्तियां हैं, जिनको वो एट ए टाइम एक ही समय में खरीद नहीं सकते, तो उनको क्या करते हैं, पट्टे पर प्राप्त करते हैं। और साथ ही ये देखते हैं कि यदि उपकरण को खरीदने पर लाभ है या पट्टे पर लेने पर लाभ है। इस प्रकार से लीजिंग जो है विनिर्माण उद्योग के विकास में बड़ा योगदान देती है। तो ये कहलाता है लीजिंग अर्थात पट्टे पर देना। तीसरा बिंदु है हमारे पास म्यूचुअल फंड, ना होगा म्यूचुअल फंड। तो एक कंपनी में एक आम व्यक्ति जो है शेयर के माध्यम से, अंश पत्र के माध्यम से अपनी पूंजी लगाता है और लाभ कमाता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो आम व्यक्ति उस कंपनी के बारे में उतना जानता हो। तो ऐसी इस स्थिति में बहुत सारी संस्थाएं जो अब सामने आ गई हैं कि आम जनता से वो छोटी छोटी बचत को एकत्रित करती हैं शेयर्स के नाम पर, और उनको प्राप्त करके जो है उनको म्यूचुअल फंड में लगाती हैं। तो इसके अंतर्गत वह कंपनी या संस्था आती है जो व्यक्ति एवं अन्य संस्थाओं से धन एकत्रित कर उसे स्कंद बाजार, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर, बांड आदि में विनियोजित करती है। यहां निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोग म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनियों में विनियोग कर औद्योगिकीकरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, एक वित्तीय मध्यस्थ होते हैं जो बचत को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं, विनियोजन की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो अभी भारत में जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड की शुरुआत की थी, और वर्तमान में जो है बहुत सारे राष्ट्रीय बैंक हैं, निजी बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, ये सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत क्या है कि व्यक्तियों से या संस्थाओं से धन एकत्रित करके उसे स्कंद बाजार, स्टॉक मार्केट में विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके शेयर, उनके बॉन्ड्स में विनियोजित करती हैं, और यहाँ पर एक आय का एक जो है निश्चित उनको आश्वासन भी दिया जाता है कि उतना रिटर्न उनको प्राप्त होगा। तो ये एक प्रकार के क्या है, वित्तीय मध्यस्थ हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। इसके बाद हम देखें चौथी बिंदु जो है फैक्टरिंग। तो एक उद्यम जो है साख ऋण या अपने प्राप्य बिलों को वसूलने में काफी कठिनाई होती है और उसको समय लगता है। एक उपक्रम की या संस्था की जो उधारियां होती हैं, जो उसके प्राप्य बिल है जिन पर उसको पैसा प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है और उसको समय लगता है। और ऐसी स्थिति में उस उद्यम का, व्यवसाय का पैसा जो है वो ऋण के रूप में या प्राप्य बिलों के रूप में फंस जाता है। तो यहाँ पर उसके सामने कार्यशील पूंजी की क्या आती है, समस्या आती है, अर्थात जो वर्किंग कैपिटल है वो की समस्या उसके सामने बन जाती है। तो ऐसे में क्या करे वो, ऐसे में उद्यम जो है अपने प्राप्य बिलों को दूसरी कंपनी या वित्तीय संस्थाओं को क्या बेच देता है, जिसे हम फैक्टरिंग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो उद्यम की साख है, जो ऋण है, जो प्राप्य बिल की राशि जिसको वसूलना है, उन बिलों को वो क्या करती है, दूसरी वित्तीय संस्थाओं को बेच देती है, जिसे हम फैक्टरिंग नाम से उनकी वसूली एवं प्रबंध में विशेषज्ञ कंपनियों को बेचकर पुस्तकीय लेनदारी में रोकड़ में परिवर्तित करने की विधि को हम फैक्टरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रबंध में विशेषज्ञ हैं वो कंपनी को बेचकर खाता ऋण को यहाँ पर जो है परिवर्तित करते हैं किस रूप में, फैक्टरिंग। और इस जो कंपनी इस कार्य करने में विशेषज्ञ होती है वो कहलाते हैं फैक्टर। तो इसके अंतर्गत लेनदारियों को प्रत्यक्ष रूप से क्रय खरीद कर उद्यमी ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जो भी लेनदारी है व्यवसाय की, जो संबंधित संस्था है, वो सीधे सीधे उन लेनदारियों को खरीद लेती है, और खरीद के जो है उद्यमी या ग्राहक जिसकी लेनदारी बकाया बाजार में, उसको वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये प्रक्रिया कहलाती है फैक्टरिंग की। ये अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न है,
व्यावसायिक सेवाओं से आशा है उसकी विशेषताएं लिखिए, वस्तु एवं सेवाओं में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए, फिर सेवाओं के प्रकारों को समझाइए कौन कौन से प्रकार जो अभी मैंने बताए, व्यक्तिगत सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं, फिर वित्तीय सेवाओं के प्रकार के अंतर्गत आपको निम्न को समझाना, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, लीजिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या है और फैक्टरिंग क्या है।